गैमेट, डबल एम में रहता है क्या जी? अरे गोली मारो डबल सिंगल को, गैमेट युग्मक, मेल युग्मक और एक फीमेल गैमेट युग्मक। गैमेट को हिंदी में क्या कहते हैं? युग्मक। बताओ बाबू, मेल गैमेट क्या होता है? स्पर्म। हिंदी में शुक्राणु, और फीमेल गैमेट में ओवम, अंडाणु। अंडाणु जब ये दोनों मिल जाते हैं क्या कहलाता है? जाइगोट बनेगा, युग्म नज। क्या बनेगा? युग्म नज, युग्म, अच्छा नज बन गया, लिखा गया हाँ। जाइगोट क्या बन गया? जाइगोट, जाइगोट बन जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जाइगोट, किसी को दिक्कत? जाइगोट बहुत बहुत कमजोर होता है, जाइगोट बहुत ज्यादा कमजोर होता है जाइगोट, क्योंकि जस्ट वो गैमेट से क्या बना है? जाइगोट, जस्ट क्या बना है? गैमेट से। ए गोली मारो, इसको हिंदी अंग्रेजी लिख लिख परेशान है आदमी। स्पर्म ओवम लिख देते हैं, दिमाग में पड़ जाए, स्पर्म और ओवम, नहीं समझे? स्पर्म और ओवम, ये जस्ट फर्टाइल होके और जस्ट क्या बना है? जाइगोट। जाइगोट बहुत ही कमजोर होता है, इसलिए देखिएगा अगर कोई महिला प्रेग्नेंट रहेगी स्टार्टिंग फेज में, तो उसको डॉक्टर कहेगा धीरे धीरे कदम बढ़ाना है, दौड़ना उड़ना नहीं है, सीढ़ी चलने से अवॉइड करना है, गाड़ी में उतना सफर नहीं करना है। जाइगोट बहुत कमजोर होता है, समझ आ गया? जाइगोट धीरे धीरे बढ़ने के बाद क्या हो जाता है बहू? एम्ब्रॉय। थोड़ा मजबूत हो गया, क्या बनेगा? एम्ब्रॉय। इसको और छोटा लिखना पड़ेगा, उठ जाएगा जी इतना में, छोटा लिख देते हैं, युग्म नज, अंग्रेजी में जाइगोट। ये थोड़ा सा बड़ा होगा क्या बनेगा? भ्रूण। क्या बनेगा? भ्रूण। क्या बनेगा? भ्रूण। भ्रूण को क्या कहेंगे? एम्ब्रॉय। क्या कहेंगे? एम्ब्रॉय। और एम्ब्रॉय जब पैदा हो जाएगा तो क्या होगा? शिशु। शिशु क्या होगा? शिशु या बेबी, शिशु या बेबी, बेबी शिशु या बेबी। बेबी न्यूट्रल जेंडर में आ जाता है, अंग्रेजी में पढ़े होंगे ना, न्यूट्रल जेंडर, फेमिनिन जेंडर, मेन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर में वो बच्चा रहता है, यहाँ पे बेहोश हो गया, उसको वापस देखो जी, अल्लाह नहीं करो, बहुत डिहाइड्रेशन हो गया, लड़का लड़की सब लोग ध्यान से समझो, पानी वानी पी के आना, लोग पीछे पीछे एकदम लास्ट वाले गेट पीछे है, तो वहां से तो निकाल ही देंगे लोग। यहाँ पे आगे बढ़े बाबू, देखो ये क्या होता है? बहुत कमजोर, ये भी कमजोर होता है। ये जब थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाता है, जब इसके अंग आ जाते हैं, तो उसे फीटस कहते हैं। क्या कहते हैं? फीटस। तो एम्ब्रॉय का ही थोड़ा विकसित रूप क्या हो जाता है? फीटस हो जाता है, और बाद में क्या बच जाता है? बच्चा बन। तो थोड़ा सा इसका विकसित रूप क्या हो जाता है? फीटस हो जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो जब स्पर्म अलग है, ओवम अलग है, तो क्या कहलाएगा? गैमेट। स्पर्म अलग है, ओवम अलग है, तो क्या कहलाएगा? गैमेट। दोनों मिल जाएंगे, जाइगोट। और जाइगोट के बाद बच्चे का निर्माण चालू होगा, जाइगोट के बाद बच्चे का निर्माण चालू। जाइगोट में कोशिका लेवल पे निर्माण होता है, और एम्ब्रॉय में अंग बनने लगते हैं। एम्ब्रॉय में क्या बनने लगे? अंग। अंग बनने लगेंगे, थोड़ा और बड़ा होगा फीटस, और बड़ा होगा तो फीटस पैदा हो जाएगा, क्या बजाएगा? बेबी। जब तक पैदा नहीं हुआ है वो भ्रूण ही कहलाएगा। फीटस को गोली मारो, सीधे क्या बोलो? भ्रूण। फीटस को क्या बोले? भ्रूण या एम्ब्रॉय। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एम्ब्रॉय। किसी को दिक्कत? अब ध्यान से समझते हैं। मेल गैमेट, मेल गैमेट यानी युग्मक, स्पर्म मेल के शरीर में बनता है। फीमेल गैमेट यानी ओवम, फीमेल गैमेट यानी फीमेल का ओवम, फीमेल के शरीर में बनता है। ये दोनों सिंगल सिंगल कभी फर्टिलाइज नहीं कर सकते, ये जब मिल जाएंगे तो क्या कहलाएगा? युग्म। ये कहां मिलेंगे? तो फोलोपियन ट्यूब में मिलेंगे, जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब उसको देखेंगे, और विकसित होने लगेंगे तो क्या बनेगा? एम्ब्रॉय। क्या बनेगा? एम्ब्रॉय का सबसे पहले दिल धड़कता है, क्या धड़केगा? तो सबसे पहले किसी बच्चे में क्या धड़कता है? दिल। अमूमन वो चौथे सप्ताह में धड़कता है, चौथे सप्ताह में, चौथे सप्ताह में सबसे पहले क्या बनता है? दिल, हृदय। उसके बाद धीरे 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 सारे शरीर का निर्माण होने लगता है, उसके बाद से बच्चा जन्म लेता है। समझ में आ गया?
अब इसके लिए मेल और फीमेल का होना जरूरी नहीं है भैया, वो तो टेस्ट ट्यूब में ले लेगा, एक स्पर्म ले लिया, फीमेल से क्या ले लिया, ओभम ले लिया। मेल का स्पर्म शरीर के बाहर इजिली आ जाता है, फीमेल का ओभम जो होता है जब वो डिस्ट्रॉय हो जाता है तब मेंस्ट्रुअल साइकिल से बाहर आता है। तो इसके लिए डॉक्टर जो होता है टेस्ट ट्यूब से माध्यम से उसे सक करके खींच लेता है, उसके पास अपने इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और उसको बाहर में ही क्या कर लेगा, मिला देगा यहाँ पे, बाहर में क्या कर देगा, मिला देगा यहाँ पे, क्या बना देगा वो, जाइगोट, क्या बना देगा, जाइगोट। लेकिन उस ससुरा को जाइगोट तो बना देगा, लेकिन उस जाइगोटवा को बड़ा कहाँ करेगा, डिब्बा में, ना 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 नहीं बड़ा कर पाएगा डॉक्टर, उसकी टेक्नोलॉजी ये नहीं है। तो फिर जिस का ये बच्चा है उस माँ को दोबारा बुलाएगा डॉक्टर, और इस जाइगोट तो ये तो कोशिका लेवल पे होता है जाइगोट, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, फिर इसको टेस्ट ट्यूब में रखेगा, खींचेगा और माँ के पेट में वापस ले जाके रख देगा कि भैया हम निषेचन करा दिए, एक बड़ा नहीं कर पाएंगे हम, ऐसा कोनो डिब्बा नहीं बनल है, ये माँ के पेट में बड़ा होगा, तो माँ के पेट में वो बड़ा होगा। अब उसी की माँ के पेट में रख दीजिए, चाहे कोनो औरों को रख दीजिए, वो बड़ा हो जाएगा। अगर उसी माँ के पेट में रखे हैं तो टेस्ट ट्यूब कहलाएगा, और दूसरा में रख दिए तो सेरोगेट मदर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सेरोगेट मदर कहलाएगा, नहीं समझ में। तो इसमें मेल और फीमेल की कोई योगदान नहीं है, मेल गैमेट चाहिए और फीमेल गैमेट चाहिए। टेस्ट ट्यूब समझ में आ गया, मेन कंसेप्ट, तभी आप मेन कंसेप्ट समझ गए। अब हम देखते हैं कि स्पर्म कहाँ बनेगा और ओभम कहाँ बनेगा, और दोनों कहाँ मिलेंगे, यानी जाइगोट कहाँ बनेगा, और जहाँ जाइगोट बनता है वहाँ एम्ब्रॉय नहीं बनेगा। समझ में आ गया, सब अलग अलग बनते हैं, गैमेट कहीं और बनेगा, जाइगोट कहीं और बनेगा, एम्ब्रॉय कहीं और बनेगा। रेडी, आगे बढ़े। सेरोगेसी, हाँ अलग अलग मेडिकल, देखो मेडिकल प्रॉब्लम से सेरोगेसी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसा के उसमें या फिर शौक से सेरोगेसी अच्छी बात नहीं है, बाकी कौन समझाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं मेल गैमेट। मेल गैमेट जो होते हैं टेस्टिस में निर्माण होता है, किसमें होगा, टेस्टिस में, मेल के टेस्टिस में, और इसमें दो नसें होती हैं जिसे हम लोग कहते हैं वैस, क्या कहेंगे, वैस, क्या कहेंगे, वैस, वैस। स्पर्म को ले आने वाली नसें वैस, क्या होती हैं, वैस। अगर काट दिए वैस को तो स्पर्म बनेगा, आएगा ही नहीं। तो बायोलॉजी में, टेक्निकल भाषा में, किसी चीज को काट देंगे तो टॉमी कहलाता है, क्या कहलाता है, टॉमी। तो वैस्कोटॉमी क्या हो गया, वैस्कोटॉमी, मैस्कोटॉमी, ट्यूबेकोटॉमी, हिस्टेरोटॉमी। टॉमी मतलब होता है किसी ना किसी अंग को क्या करेगा, काटेगा। अब किस अंग को काटा है उससे रिलेटेड जोड़ देगा, समझ आ गया कि नहीं गया। तो बताइए, स्पर्म ले आने वाली नसें वैस, स्पर्म बनता है टेस्टिस में, किसमें, टेस्टिस। इसके बाहर एक इपिडिडिमिस नाम की सेफ्टी की लेयर होती है, क्या होती है, इपिडिडिमिस नाम की अलग एक लेयर होती है जो इसकी क्या करती है, सुरक्षा देती है। इसको सुरक्षित रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, इसे सुरक्षित रखना जरूरी। अब स्पर्म जो होता है इसकी एक खराबी है, हमारे शरीर का टेम्परेचर है 37 डिग्री, कितना डिग्री, और स्पर्म 37 डिग्री में मर जाएगा, स्पर्म 37 डिग्री में मर जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा मतलब 2 डिग्री कम रखना होता है स्पर्म को। इसलिए स्पर्म का जो टेस्टिस जिसमें स्पर्म निर्माण होते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में शुक्राणु कहते हैं, वो शरीर के बाहर होता है, क्योंकि अगर ये शरीर से टच हो गया ना तो इसका भी टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 37 डिग्री। इसलिए बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनने से टेस्टिकल्स हमारे शरीर से क्या हो जाएंगे, टच हो जाते हैं, जिस वजह से उनका टेम्परेचर क्या हो जाता है, 37 हो जाता है, और वो फर्टाइल नहीं हो पाते हैं, और फर्टिलिटी धीरे धीरे खत्म होने, भाई इसका टेम्परेचर 37 रखना चाहिए, फैशन के चक्कर में लोग बढ़िया टाइट कपड़ा पहनेंगे लोग यहाँ पे, और इसको टच होते हैं इसका 35 हो जाएगा, धीरे धीरे इनफर्टिलिटी हो जाएगी, और इनफर्टिलिटी के बाद लोग महिला का इलाज कराएंगे, समझे में नहीं आएगा कि पुरुष में दिक्कत है, अमूमन किसी को बच्चा नहीं हो रहा है ना, सीधे महिला का इलाज चालू कर देते हैं, कई लोग को तो 15-20 साल बाद पता चलता है कि पुरुष में दिक्कत है यहाँ पर। तो अब ये सामाजिक रूढ़िवाद है, महिलाओं पे थोप दो, महिलाएं उसको एक्सेप्ट भी कर लेती हैं। समस्या ये है कि आप लोग बड़ा जल्दी एक्सेप्टेंस आ जाता है यहाँ पे, एजुकेशन तो देते नहीं है सब, अब तो खैर इसका एजुकेशन आ गया। तो शरीर से बाहर रहने का मुख्य काम क्या है, टेम्परेचर मेंटेन रखना, टेम्परेचर मेंटेन, अदरवाइज में स्पर्म क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब पुरुष में क्या हो गया, यहाँ पे एक बनाव, यहाँ पे कि यहाँ पे एक ग्रंथि होगी जिसे कहेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड, कौन सी ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड, पी लिख देंगे तो समझ जाएंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड, क्या करेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है काफ़ी ज़्यादा वाइटल अंग है, स्पर्म को एक स्पीड प्रदान कर देता है ताकि वो फर्टिलिटी ज़्यादा हो सके, कि स्पर्म का लाइफ टाइम ज़्यादा नहीं होता है, बहुत जल्दी उसकी लाइफ क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है वहाँ पे, बहुत जल्दी 20 से 25 मिनट के बाद स्पर्म क्या हो जाता है, डेड होने लगता है।
तो इसके लिए एक एक इसको क्या चाहिए, प्रेशर मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ एक प्रोस्टेट ग्लैंड हो जाता है और इसका एक और काम होता है, स्पर्म की काउंट को बढ़ाता है, और दूसरा यहीं से यूरिन के, यूरिन जैसे मेल में क्या हो गया ना, अब किडनी पढ़ा दिए बाबू आप लोग को, किडनी पढ़ा दिए ना, तो हम यहाँ एक रफली किडनी बना देते हैं, यहाँ पे दो किडनी हो गई, और यहाँ किडनी से क्या आ गया, यूरेथ्रा, किडनी से यूरिन किस में आएगा, यूरेथर यूरेटर, और यहाँ से आ जाएगा यहाँ पे। तो यूरिन जो होता है वो भी ये यू से यूरिन हो जाएगा, यूरिन भी इसी रास्ते आएगा और स्पर्म भी इसी रास्ते आएगा। तो हो गया भाई, यहाँ पे कोई चेक पोस्ट लगाना पड़ेगा ना, यूरिन के टाइम पे स्पर्म रोक या स्पर्म के टाइम पे यूरिन रोक दे, यहाँ एक वाल्व लगाना पड़ेगा, उसका काम कौन करेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड, और फिर यहाँ पेनिस के रास्ते क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो यूरिन का मेल में जो होता है उसमें क्या हो गया कि यूरिन के लिए अलग से कोई रास्ता नहीं है और स्पर्म के लिए अलग से रास्ते नहीं है, दोनों क्या करते हैं सेम, बट फीमेल में दोनों के रास्ते क्या है, कंप्लीटली डिफरेंट हो जाते हैं मेल में। इसलिए क्या फीमेल में प्रोस्टेट ग्लैंड होगा, वो तो चेक पॉइंट क्या काम कर रहा है वहां पे, तो उसके लिए क्या जरूरत है वहां पे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मेल गैमेट किसे बोलते हैं, स्पर्म को, किसे कहेंगे स्पर्म, वो कहां बनता है, टेस्टिस में, कहां बनेगा, टेस्टिस। इसे टेम्परेचर कम करने के लिए ही शरीर के कहां रखा जाता है, बाहर। किसी को कोई दिक्कत, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो मेल में स्पर्म एंड यूरिन के लिए कोई अलग रास्ते हैं नहीं है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या कर देगा, बंद कर। मेल में एक कॉमन कैंसर होता है प्रोस्टेट कैंसर, जिस तरह फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है उस तरह मेल में प्रोस्टेट कैंसर बहुत कॉमन है, इसी में हो जाता है कैंसर। कैंसर का निर्माण हो जाएगा तो बढ़ने लगेगा, ये बढ़ते बढ़ते बंद कर देगा यूरिन में। कैंसर में क्या होता है ना कि दर्द तो आपको करेगा नहीं शुरुआत में, क्योंकि आप ही की कोशिका ज़्यादा बनने लगी है, तो जब आप ही की कोशिका बन रही है तो WBC रिएक्ट नहीं करेगा। ह्यूमन कोई भी हमारा जो कंट्रोलिंग सिस्टम है वो रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि बाहरी पार्टिकल तो है नहीं यहाँ। अब जब बड़ा होने लगेगा तो किसी न किसी चीज़ को क्या करेगा, डैमेज करेगा, और डैमेज करके यूरिन बंद हो गया तो आपके शरीर से कोई भी जहरीला पदार्थ बाहर ही नहीं जाएगा, अमोनिया नहीं जाएगी। अब क्या डिफरेंट क्या इफेक्ट डालेगा वो तो डिपेंड करता है उसकी साइज क्या है, किस डायरेक्शन में डिपेंड कर रहा है। तो प्रोस्टेट समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आगे बढ़े, किसी को दिक्कत। और यूरिन, और ये तो पेनिस हो गया, वो तो एक्सटर्नल पार्ट हो गया यूरिन बाहर निकालने के लिए, या फिर आपका स्पर्म को बाहर निकालने के लिए। मेन जो होता है स्पर्म होता है, समझ में आ गया कि नहीं। अब इस टेस्टिस में दो चीज़ें बनेंगी, स्पर्म जो बनेंगे, दूसरा इसमें एक टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन भी बनता है, टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन, याद रखना बहुत ईजी है। टेस्टिस में बना इसलिए नाम हो गया टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस में बना इसलिए नाम क्या हो गया टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो होता है पुरुषों में उत्तेजित बना देता है, क्या करता है, उत्तेजित हो जाता है, इसलिए पुरुषों को देखिए ढेर चक्कर पकड़ करता है, सब महिलाएं ज़्यादा चक्कर पकड़ नहीं करती हैं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। केवल पुरुष में नहीं, मतलब मेल चाहे जितकी भी कैटेगरी है, कुकुर सियार बिलार सब देखिएगा, वो सबको टेस्टोस्टेरोन क्या रहेगा ज़्यादा, तो उसको महिलाओं के प्रति ज़्यादा एक्टिव रहता है, वहाँ पर स्पर्म बनता है टेस्टिस में, हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनेगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में हर जीव में अलग अलग दुर्गंध आती है, क्या आएगी दुर्गंध, तो मेल के टेस्टोस्टेरोन में एक दुर्गंध होती है जिससे कि जानवर अपने बॉर्डर डिसाइड करते हैं, समझ में आ गया। कुत्ता देखिएगा पिशाब करके, क्योंकि कुत्ता के पिशाब में क्या आ जाएगा टेस्टोस्टेरोन आएगा, वो अपना बॉर्डर डिसाइड करता है कि ये एरिया मेरा है, दूसरा उसका जो है उस दुर्गंध को कुत्ते आराम से पहचान जाते हैं, वो अगले एरिया में नहीं जाते हैं, क्योंकि वहाँ पता है कि आगे रोमिंग लगेगा, रोमिंग अलाउ नहीं होता है। हम लोग मोबाइल में ना रोमिंग इधर उधर कर लेते हैं, उसमें अलाउ नहीं है, कुत्ता भोंकने लगता है। कुछ ससुरे ऐसा पागल पागल कुत्ता है सब, जो मोटरसाइकिलों में पिशाब करके अपना डिसाइड कर देते हैं ये मेरा एरिया है, रात में मोटरसाइकिल लगाए उस पर पिशाब कर दिया कि मेरा एरिया है, सवेरे आप मोटरसाइकिल स्टार्ट करके ले जाएंगे, अब जहां जहां जाएंगे उस सूंघ के उसको दौड़ाएगा, ए इधर कैसे है तोरा एरिया है रे, उसको लगता है कि कहीं मोटरसाइकिल के ऊपर कोनो दूसर कुकुर तो नहीं बैठल है, इसलिए लपक लपक कूदेगा, कोनो है का रे उसमें, गाड़ी से जाएगी ना फोर व्हीलर से तो उसको ये नहीं दिखेगा इतना बड़का गाड़ी है, हम कचरा जाएंगे तो मर जाएंगे, लपक लपक देखेगा कहीं में है तो नहीं कोनो, यहाँ पे हमारे एरिया में कैसे आ गया यहाँ पे, समझ में गया। फौज अमूमन जंगल वगैरह में भी अगर कोई रात उत में रुकता है ना, पहले फौज वगैरह रात में ही रुकती थी ना, तो साइड साइड में पिशाब कर देते थे ताकि दूसरा कोई जीव अगर आएगा ना तो उसको लगेगा कि ये एरिया दूसरे का है यहाँ पे। तो टेस्टोस्टेरोन से जानवर सब का अपना क्या है, तो हर व्यक्ति जो है ना नेचर सबके लिए अपनी कोई ना कोई सिस्टम बना के भेजा है, समझ में आ गया।
किसको दिक्कत नहीं ना। अब देखो स्पर्म जो होता है ना उसका आकार, स्पर्म जो होगा उसमें पूंछ होते हैं। स्पर्म में क्या होता है? पूंछ। तो पहले तो आदमी स्पर्म को बिना माइक्रोस्कोप से आदमी कोई स्पर्म को देख ही नहीं सकता, एकदम माइक्रोन होते हैं सब स्पर्म में। यहाँ पे समझ आ गया कि नहीं? स्पर्म बनते किसमें है? टेस्ट। अच्छा, एक टेस्टिस को अगर हटा दिया जाए तो दूसरे में भी बन ही जाएगा। यहाँ पे दोनों, जैसे एक किडनी हटा देंगे तो दूसरा भी बना ही सकता है यहाँ पे। तो स्पर्म जो होता है ना इसका ये हेड होता है। स्पर्म का क्या हो गया? हेड हो गया स्पर्म। अब इसके पीछे ना स्पर्म के माइटोकांड्रिया होता है और फ्रुक्टोज से एनर्जी लेता है। इसमें एनर्जी किससे होता है? फ्रुक्टोज। फलों में भी फ्रुक्टोज, स्पर्म में भी फ्रुक्टोज। तो ये स्पर्म के पूंछ में जब हम ऊर्जा दे देते हैं, कौन सा? ये तो माइटोकांड्रिया है जो ऊर्जा बनाता है। माइटोकांड्रिया क्या करेगा? ऊर्जा बनाएगा। और इसके पूंछ में ही ऊर्जा बनती है और यही स्पर्म आगे जा सकता है। तो स्पर्म हमेशा मूव कर सकता है, ओभम के पास पूंछ नहीं होता इसलिए मूव नहीं कर पाता है। तो बताओ बाबू, स्पर्म के पास ऊर्जा किस रूप में? फ्रुक्टोज। किस रूप में? फ्रुक्टोज। किसमें? फ्रुक्ट। अगर पूंछिया काट दिए तो फ्रुक्टोज गया, क्या स्पर्म आगे जा पाएगा? क्या फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं। तो जब स्पर्म के साथ साथ हम फ्रुक्टोज को भी जोड़ देते हैं तो इसे कहते हैं सीमन। क्या कहेंगे? सीमन। क्या कहेंगे? सीमन। गाय भैंस में देखिएगा सीमन खरीद के आता है। सीमन क्या आएगा? खरीद के आएगा। कोई बढ़िया नस्ल की गाय भैंस होगी ना तो उसके जो बुल होगा, सांड होगा, तो उसका स्पर्म लेके उसमें क्या रहेगा? फ्रुक्टोज। और उस सीमन को गाय के डायरेक्ट, अभी हम फीमेल पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको बताएंगे, अभी यहां तो समझ में आ गया कि सीमन जो होता है ना ये मार्केट में अवेलेबल होता है, जानवरों के लिए क्या हो जाते हैं? अवेलेबल हो जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? अच्छी नस्ल को क्रॉस ब्रीड कराने के लिए। समझ में आ गया? तो स्पर्म किसके किसके थ्रू आगे बढ़ते हैं? फ्रुक्टोज। आइए, फ्रुक्टोज कहां पाया जाएगा? पूंछ पे। कहां पे? पूंछ पे। मतलब 7 से 8 ml, एक नॉर्मल खांसी उसी की सिरप का जो ढक्कन होता है वो 7-8 ml का होता है, 5 से 7 ml का। तो एक 7 से 8 ml स्पर्म में, जिसका निर्माण कहां से हुआ? टेस्टिस से। किसके थ्रू ट्रेवल किया? प्रेशर। और मेंटेन कौन किया? प्रोस्टेट ग्लैंड। और पेनिस के रास्ते कहां चला गया? बाहर। उस 7 से 8 ml स्पर्म में 20 लाख स्पर्म पाए जाते हैं। 20 लाख शुक्राणु पाए जाते हैं। कितने लाख? 20 लाख। और हर एक की क्षमता होती है कि अलग शकल का एक मानव को जन्म दे सके। इस 20 लाख में से केवल एक ही स्पर्म आगे जाके ओभम से क्या होगा? मिल सकता, और कोई नहीं। इस 20 लाख में से 10 लाख का तो पूंछ ही नहीं होता है, तो बैल है सब। 10 लाख में पूंछे नहीं है उसमें, तो कौन काम के है सर भाई? मेन कंपटीशन में भाग कितने लिया है? 20 लाख में से 10 लाख। वैसे ही आप लोग जो पढ़ने आए हैं ना, आधा तो कोई काम का नहीं है। आधा लड़की लड़की इसमें पढ़ाई के लिए बस एडमिशन ले लिया है पटना में, उसको बस आराम से सो के उठेगा, क्लास लेगा, आराम से 4 बार अंगड़ाई लेगा, जमाई लेगा, चल जाएगा। क्या तो फिर हम रिवीजन करेंगे ना, तब पढ़ेंगे। क्या तो इनका अलग टाइम आएगा रिवीजन का, कहियो ना रिजल्ट होगा इस सबका। जो ऐसा लक्षण वाले ना, कहियो रिजल्ट नहीं होगा। जो समयों में देख के पढ़ते हैं ना, उनका रिजल्ट कहियो नहीं होता, याद रखना। यहाँ पे पढ़ने आए हो, पढ़ाई करो शांति से, आगे बढ़े, आगे बढ़े। संदीप कुमार कह रहे हैं न्यूक्लियर टूट गया ट्विन में तो क्या होगा? ये जानते हो नीट से लात खा के आया है, ये गया होगा धधा के किसी चीज की तैयारी करने नीट में, और वहां इसको हवा लगा नहीं होगा, अब यहाँ आके खखोर रहा है, यहाँ आके खखोर रहा है। ट्विन कैसे होगा? अरे बैल कहीं का, पहले लड़कवा तो हो तब ना जुड़वा करेंगे, पहले एक बार लड़कवा तो बन ना। ट्विन कैसे होगा? ये जानते हो कहाँ से लात खा के आया है? नीट से। हम बताए ना, हम लोग एक गढ़ा है, गढ़ा KGS जो है ना, कहियों से बिछलाएंगे ना इसी गढ़ा में आएंगे। चाहे नीट से बिछलाइए, जेई से बिछलाइए, ग्रेजुएशन में चौपट होइए, चाहे दिल टूट गया, जहां से जाएंगे गढ़ा से बिछलाएंगे, यहीं आएंगे, उसके बाद मोक्ष धाम। समझ में गया? मोक्ष धाम। आगे बढ़े, मेल के में समझ में गया वो। अब देखिए 20 लाख में से 10 लाख तो मिल ही नहीं सकता क्योंकि पूंछ नहीं है। बाकी जो है ना, बाकी सब वो उसमें से जैसे एक मिलेगा, फीमेल का ओवम जो होता है ना बंद हो जाता है। अब हम फीमेल में समझते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। समझ आ गया किसी को दिक्कत? मेल का मेन मतलब है हमें गैमेट से, स्पर्म से, ये सब तो बनने उनने का निर्माण में होता है। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखते हैं, मेल में टेस्टिस कितने? दो। तो फीमेल में ओभम बनाने वाला ओवरी कितना? दो। सेम रहेगा दोनों में?
आगे बढ़े। देखो ये कह रहा है कि सर लाल पीला हरा को इग्नोर कैसे करें, 20 बार समझाएं देखो ही मत, दुनिया में ऐसा को देख के कैसे बच जाओगे तुम लोग, इतना बढ़िया बढ़िया मेकअप कह लिया होता है जी, देख के बच जाएगा शीशा, हाँ या तो देखो ही नहीं या तो बिना मेकअप का देखो एकदम सुबेरे सुबेरे भागो समझ में गया तो दुए रास्ता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप, तो इसलिए हमेशा याद रखो देखना ही नहीं है, देख के तुम ही बच जाएगा। हाँ बढ़िया बढ़िया लोग ना बच पाया, तुमको ने डेगची का मसाला है, राजा महाराजा जैसा लोग जो अपने समृद्धि के आसमान पे बैठे तो उठा गए, तुम तो पहले से गड़ाह में है, तुम कहाँ जाएगा पताल लोग, हाँ हाँ समझा गया सबको देखो ये लोग को क्या जाता है बड़ी पढ़ने में तेज है, ई हो जाएगा इंटर में को डुबा दिए नहीं मने मन बोलते हैं इंटर में सुरेशवा को डुबाए थे अब एक नंबर है जा बाबू जा मत देखना लोग तुम लोग, समझ आ गया कि नहीं आ गया आप मने मन बतिया पढ़े में बहुत तेज हो लो, देखना 10-15 दिन में एक ना बर्बाद कर दो अब तुम लोग को पढ़ने में मन लगेगा नहीं, इसलिए बस एक ही रास्ता है क्या जी, देखना नहीं है, गलती से नजर पड़ जाए तुरंत हटा लिया, ये बाप हो बाप बच गई लो रे भाई आज तो मराई ले रहो बाप हो बाप हे भगवान रक्षा करो, समझ में आ गया कि नहीं गा। और हम वैसे तो हम प्रातः काल उठ के हमेशा दुआ मांगते हैं आप लोग के लिए, हे भगवान इन सीधे साधे पुरुषों की आप रक्षा करें आप लोगों को कोई दिक्कत इसे बेचारी अंदर से एकदम ना घुसी आ जाती होगी सर नहीं ये तकलीफ हम लोग पूरा स्टूडेंट लाइफ उठाए हैं कि कोई तो हम लोग की बात बोले, स्कूल खत्म हो गया, कॉलेज खत्म हो गया, यूनिवर्सिटी खत्म हो गया, पुरुषों को ऐसा लगता था जैसे निर्जीव है सब, इनकी कोई बातें नहीं करता था, लेकिन जब जब अत्याचार हुआ है भगवान किसी ना किसी को भेजे हैं कि नहीं भेजे हैं चलिए अब फीमेल देखते हैं रिप्रोडक्ट सिस्टम में, ओवरी कितने होंगे बाबू, फीमेल में ओवरी दो होंगे, ओवरी में किस चीज का निर्माण होगा, ओवरी में निर्माण होगा ओबम का, ओवरी में किसका निर्माण, ओबम का निर्माण होता है। आगे बढ़े दोनों बंद ना हो गए यहाँ पे, पास से ना पूरा समझे में नहीं आता है ठीक से बना है कि नहीं बना है, अरे ऐसे समझ जाए यहाँ पे, ओवरी जो हो गए कितने होंगे दो, एक इधर ओवरी है एक इधर ओवरी, दो ओवरी है समझ में आ गया, कितने ओवरी दो, एक रहेगा एक नहीं रहेगा तो भी चल जाएगा, वैसा भी एक के वो काम करता है, एक बार इधर का काम करेगा तो एक बार दूसरे ओर का काम करेगा, दोनों एक साथ काम नहीं करता है, लेकिन मेल में दोनों एक साथ काम कर सकता है, पक्षियों में एक एक ओवरी होता है ताकि उनका भार क्या हो सके हल्का हो सके, बाकी में कितने ओवरी होते हैं दो, ओवरी में क्या बनेगा ओवम, ये है ओवरी, कितने ओवरी होते हैं अब बनेगा क्या इसमें ओवम बनेगा, क्या बनेगा ओवम, ये जो ओवरी है ना ये ओवम को बना देता है लेकिन उसमें फ्रुक्टोज नहीं लगा पाता है, अब बताओ ओवम में ओवरी किसको बना दिया ओवम को, ओवरी क्या बनाया ओवम, और टेस्टिस ने क्या बनाया स्पर्म, लेकिन टेस्टिस ने स्पर्म के साथ साथ क्या बनाया फ्रुक्टोज भी, आई फ्रुक्टोज नहीं बनाता है, तो क्या ओवम ट्रेवल कर सकता है, ओवम ट्रेवल नहीं कर, लेकिन स्पर्म ट्रेवल कर सकता है किसके दम पे फ्रुक्टोज, और फ्रुक्टोज उसके हेड में या टेल में, टेल मतलब पूंछ में, किसी को दिक्कत, ये जो पाइप होती है इसे कहते हैं फोलोपियन ट्यूब, क्या कहेंगे फोलोपियन, फोलोपियन ट्यूब, क्या कहेंगे फोलोपियन ट्यूब, ये बताओ अगर ये ट्यूबुआ काट दें, फोलोपियन ट्यूबुआ काट दें तो क्या ओवम आ पाएगा, तो इसे कहेंगे ट्यूबेकोटॉमी, ट्यूब काटा तो ट्यूबेकोटॉमी, और वैस काटा तो वैस्कोटॉमी, समझा गया, ट्यूब काटा तो मादा नसबंदी को ट्यूबेकोटॉमी, अब पुरुष नसबंदी को वैस्को,
एक और लड़का याद करता है कि वैस्कोटॉमी नर नसबंदी और ट्यूबेकोटॉमी मादा नसबंदी। सोचो उसका कंसेप्ट कितना कमजोर है। अरे ससुरा तो नहीं, वैस्क नर में पाया जाता है तो मादा नसबंदी वैस्कोटॉमी कैसे हो जाएगा। लेकिन पटना में विद्यार्थी याद करता है कुकर में दाल चढ़ा के, दो गो आलू डाल देगा हमें, याद करेगा हाँ हाँ ओवम का निर्माण ओवरी में, ओवम का निर्माण याद कैला का चीज रे। इसे जो ओवम का निर्माण ओवरी में ना होगा तो क्या फैलोपियन ट्यूब में होगा? हाँ अब आप अपने से सोच के देखो कहाँ होगा, ओवरी में होगा। किस रास्ते आएगा? अब ओवम जो इसमें जो ओवरी में क्या बनेगा बाबू? ओवम। ओवरी में क्या बनेगा? ओवम बनेगा। ओवम में क्या फ्रुक्टोज होगा? ट्रेवल कर पाएगा। तो बस ये हल्का सा ओवरी प्रेशर के वजह से यहीं आ सकता है, इससे आगे नहीं जा सकता है। ओवम जो होता है ओवरी प्रेशर से हल्का सा कहाँ आ सकता है? फॉलोपियन ट्यूब में। उसके आगे इसकी क्षमता जाने की नहीं है। अब आप बताओ निषेचन उसे कहते हैं जब मेल गैमेट फीमेल से आके मिल जाए, अर्थात स्पर्म आके ओवम से मिल जाए। स्पर्म के पास तो फ्रुक्टोज है वो जा सकता है, और ओवम के पास फ्रुक्टोज नहीं है। वो मैक्सिमम कहां तक गया? फॉलोपियन। इसका मतलब निषेचन जब भी होगा तो फॉलोपियन ट्यूब में ही होगा और स्पर्म को खुद आना होगा, क्योंकि फ्रुक्टोज किसके पास है? स्पर्म के पास। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत तो क्या बताओ? एकरो याद कैला क्या चीज है कि निषेचन की क्रिया फॉलोपियन ट्यूब में होती है। रे बैला, ओवम फॉलोपियन ट्यूब से आगे जाइए नहीं सकता है तो अगर आगे निषेचन कैसे हो जाएगा? निषेचन का मतलब, फर्टिलाइजेशन का मतलब मेल गैमेट अर्थात स्पर्म का फीमेल गैमेट अर्थात ओवम से मिल जाना। तो कहां मिलेगा? फॉलोपियन। एक यहीं से काट देता है, क्या हो गया? नसबंदी। क्या हो गया? नसबंदी हो गया। अमूमन किसका नसबंदी करा दिया जाता है? महिलाओं को, महिले का करा देता है, पुरुष का नहीं कराता है। जबकि दोनों का वैस्कोटॉमी भी हो सकता है, ट्यूबेकोटॉमी भी हो सकता है। समझ में आ गई नहीं गया यहाँ पे? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े, बताइए निषेचन कहाँ होगा? तो यहाँ मेल गैमेट फीमेल गैमेट से मिल जाएगा और क्या बन जाएगा? जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट। अब बच्चे का निर्माण होगा, अब बच्चे का निर्माण होगा तो क्या बनाएगा? एम्ब्रॉय। यही पतर का नलिया में लड़का बन जाएगा। अब लड़की या तो एन ए जाए या तो एन ए जाए, एन ए जाएगा तो फिर एन ए से ओवम कैसे बनेगा? तो इधर से लड़की इधर आएगा। तो बच्चे का निर्माण कहाँ होगा? यूट्रस में। ये वाला जगह क्या हो गया? यूट्रस। आइए अब नली, आइए ओवरी। क्या हो गया? ओवरी। ओवरी में क्या बनेगा? ओवम। ओवरी में अल्टरनेट ओवम बनता है। जैसे इस महीने इस ओवरी में बना तो ये ओवरी में नहीं बनेगा। सपोज कीजिए इस महीने में इसमें बना तो अगले महीने में इसमें बनेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अल्टरनेट बनता है, दोनों में नहीं बनता, जबकि स्पर्म दोनों में बनता। एनी प्रॉब्लम? 20 लाख स्पर्म में से 10 लाख तो वैसे ही मर गया है, वो यूट्रस में ही रह जाएगा, आगे जा ही नहीं पाएगा। यूट्रस में रह जाएगा आगे जाएगा नहीं। वो जो 10 लाख है वो में से कोनो पगला एनए चल जाएगा, एन ए यू इधर में ओवम है ये नहीं है, क्या कहते अगले ओ अगला यूवरी में जो एन ए ना हो लो कहा क्यों ओवम कहाँ जी, तो इतना एनर्जी थोड़े रहता है फ्रुक्टोज में, तो उधर डिस्ट्रॉय हो जाएगा और बाकी जो पहुँचेंगे यहाँ पहुँचेंगे। अब ये है आपका क्या चीज? ओवम। यह ओवम केवल एक ही स्पर्म को आने की अनुमति देगा। जैसे एक स्पर्म इसके अंदर प्रवेश करेगा ये इतना हार्ड हो जाएगा कि बाकी सब अंदर नहीं जा सकते, और उसके बाद से यहां बन जाएगा भ्रूण जाइगोट। अब बच्चे का निर्माण कहां होगा? यूट्रस। जैसे यहां बच्चे का निर्माण चालू होगा ओवरी ने ओवम बनाना बंद कर देगा, ओवरी ओवम बनाना बंद कर देगा। समझा गया कि नहीं गया? जैसे यहां बच्चा आया ओवरी ओवम बनाना बंद। एनी प्रॉब्लम? वो नेचुरल प्रोसेस है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होता। यहाँ से हार्मोन वगैरह से इससे तो इंटरनल पार्ट है बॉडी का, यहाँ से यहाँ आ जाते हैं सब। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? ये बताइए ध्यान से, ये को बैला परेशान है अभिषेक, ट्विन बेबी कैसे होता है? समझा गया कि नहीं? इन सब बैल सब जो है सब ना, इन सबको ही नहीं समझा बाबू, जब हम आपको पढ़ा देंगे ना, छोड़ो आगे की बात, पीछे की बात करते हैं। जिस चैप्टर को पढ़ा दिए उसमें बताओ कोई दिक्कत है?
तो रिप्रोडक्शन जिस दिन पढ़ा देंगे ना उस दिन आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, समझा गया। ये सब तो नॉर्मल चीज है, ट्विन बेबी दिख रहा है, सामने दिख रहा है जुड़वा बच्चा। इसमें क्या, जुड़वा में भी दो टाइप के होते हैं सब, सेम शकल के बिना सेम शकल के। जुड़वा में भी दो टाइप का होता है, एक लड़का हो जाएगा एक लड़की हो जाएगा, कबो कबो दोनों लड़का या दोनों लड़की हो जाएगा। तो ये सब जो बैल है सब ना, ये सब शिकार है सब किसके, हाँ नीट में बेचारा गढ़ा नहीं हुआ होगा, यहाँ आके खखोर रहा। एक बात बताओ, ये तो हो गया यूट्रस में, यूट्रस समझ में आ गया, किसी को दिक्कत नहीं ना। स्पर्म ओवरी ओवम कहाँ बनेगा, ओवरी। सपोज कीजिए कि यूट्रस में स्पर्म नहीं आया, स्पर्म में स्पर्म नहीं आया, इसका लाइफ स्टाइल लाइफ स्पैन 4 हफ्तों का होता है, कितने हफ्ते का, 4 हफ्तों का होता है, समझ में आ गया कि नहीं, कितने हफ्तों का, 4 हफ्ते बाद ये मर जाएगा, क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो इसके बाद कौन बनाएगा, ये वाला, 4 हफ्ता मतलब 1 महीना, तो 1 महीना ये फंक्शन किया, 1 महीना ये फंक्शन किया, तो ये कितने लाइफ बताइए, इसका लाइफ साइकिल कितने हफ्तों का, 4 हफ्ते, 4 हफ्ता मतलब 1 महीना 28 दिन, 4 हफ्ता मतलब 28 दिन, जिसमें 1 हफ्ता लगा देता है वो बनने में, 1 हफ्ता लगा देगा वो मेच्योर होने में, फिर 2 हफ्ता उसको क्या करेगा, वेट करेगा, क्या करेगा, वेट करेगा। तो बताइए ये ओवरी जब इधर बनाया और अगर इसमें स्पर्म नहीं आया तो ये तो क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। अब अगले महीने किधर बनेगा, इस वाले ओवरी में बनना चालू होगा, तो ये तो खराब हो गया, पड़ा रह जाएगा तो यहाँ सड़ जाएगा, क्रिस्ट फॉर्म बना लेगा, यहाँ पे सिस्ट बना लेगा, यहाँ पे गांठ बना लेगा, यहाँ पे गांठ बना लेगा, यहाँ पे फिर सड़न होने लगेगा, यहाँ पे फिर बीमारी हो सकती है यहाँ पे, तो इसे बाहर ले जाना जरूरी है, तो कचरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो यही मेंसुरल साइकिल्स के थ्रू बाहर चला जाता है, जिसे पीरियड या मेंसुरल साइकिल कहते हैं। फिर इधर निर्माण होगा, ये वेट करेगा 4 हफ्ते, इसकी साइकिल चलेगी, अगर स्पर्म आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर ये डिस्ट्रॉय होगा,